अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। मेरे साथ आबद भाई, ज़हीर भाई, सफदर भाई और ज़फ़र भाई हैं, जो जिनका चैनल कुकिंग पर है, कुकिंग विद ज़फ़र। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, सब्सक्राइब लाजमी करना। और आज आपको बिरयानी बनाने का तरीका ज़फ़र भाई बता रहे हैं कि वाइट पुलाव वो बनाएंगे आज। तो मज़ीद मुकम्मल वीडियो देखने के लिए भाई ज़फ़र की मुकम्मल होगी और बिहाइंड का सीन आपको दिखाएंगे आज। माशाल्लाह मुकम्मल टीम, मुकम्मल टीम आज हमारी फुल मुकम्मल टीम आए, जो कि एक साथ वीडियो बनाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा है और यहाँ पर ये कुछ तैयारियाँ चल रही। सब लोग भाई ज़फ़र का रात का खाना खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं और बहुत ही दिल लगा कर तैयारी कर रहे हैं। भाई सफ़र जो हैं कैमरा रेडी कर खड़े हुए हैं और बाकी मैं आपको वीडियो के टाइम में। की सेटिंग कर रहे हैं ज़हीर भाई पर और इस तरफ कुकिंग की तैयारी शुरू है। तो ये सारा सामान है जो कि चावलों में डालना है। तो सादी सी बनाएंगे, बिल्कुल हमें लंबी चौड़ी बात नहीं खींचेंगे। उसके लिए हमने दो प्याज और एक टमाटर और एक चम्मच सूखा धनिया साबुत और एक चम्मच आधी सौंफ और एक चम्मच नमक और ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। और ये कुछ बिहाइंड द सीन है भाई, हमारा चिकन जो है वो आधा किलो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उसके साथ थोड़ी देर बाद इसको हल्का सा कलर दे के मैं डालूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसका हल्का सा कलर आएगा, इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करूँगा ताकि ये ज़्यादा नरम ना हो जाए। ये अभी वीडियो शूट हो रही है, अभी खाना तैयार हो रहा है। भाई ज़फ़र बिरयानी बना रहे हैं और जैसे ही वो बनाकर फ्री होते हैं तो इंशाल्लाह खाने का जो है सीन वो आपको इस साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने खाने की बनाने का तरीका सीखना है तो वो भाई ज़फ़र के चैनल पर जाएं और उनसे सीखें। उनके चैनल पर बहुत अच्छी आ रही है। कैसा फील हो रहा है भाई भैया? भाई आबद कह रहे हैं कि खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। माशाल्लाह ज़फ़र भाई बहुत ही अच्छा खाना बना रहे हैं और जैसे ही खाना बनता है तो फिर आपको जैसे ही खाना बनता है तो आपके साथ भाई खाना बना रहे थे वो आपको कुछ बताते हैं। पता क्या सीन है, सफदर भाई कैप्चर कर रहे हैं ना हमारी फर्स्ट कुकिंग वीडियो। हमने उससे पहले मतलब ना कुकिंग के मतलब वीडियो जो शूटिंग नहीं की, मतलब बहुत कम अंदाज है। अभी वो सफदर भाई कर रहे हैं ना तो वो कहते हैं दो मिनट, बस दो मिनट रोक जाए, दो मिनट में बेशक नीचे से प्याज जो है वो जल जाए। तो अभी वही सीन हुआ, वो रिकॉर्डिंग नहीं लगी हुई थी। सफदर भाई कह रहे थे एक मिनट रिकॉर्ड नीचे कर लूँ, तो दो मिनट करते करते ये ना हो कि कहीं प्याज जल जाए, हमारे खाने की उम्मीदों पर पानी फिर जाए। नहीं, उम्मीद की जा रही है, मतलब ना बंदा जो है वो एक्सपर्ट है, मतलब बेस्ट तरीके से कर लेगा क्योंकि उसके पहले यार रेडी इस पर है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम मतलब कुकिंग मतलब कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, शूट नहीं की थी। तो ज़हीर भाई आपने जो बिरयानी बनाई थी क्या ख्याल है, उससे बेहतर बनी? उससे कहीं दर्जे बेहतर है। वो फर्स्ट एक फन था, एंटरटेनमेंट था आवाम के लिए भाई, ठीक हो गया। ज़हीर भाई आप अपनी ऑडियंस अपनी अब मैं प्यारों के लिए सीख ले कुछ। नहीं, अब मैं भाई की वीडियो देखूंगा ना, जब एडिट करके अपलोड करेंगे उसके बाद फिर मैं खुद बनाने की ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अगर जिंदगी रही तो फिर हमें भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, खर्चा यही करेंगे जो सारा सामान लाना है बनाऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। हम इसमें बाद में डालते हैं ताकि जो चिकन है वो ज्यादा नरम ना हो जाए। इसको मैं एक मिनट के लिए करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। जल्दी जल्दी हमारे सामने बिरयानी तैयार होगी और हम खाएंगे। अच्छा सीन पता है क्या है, मैंने ना भाई अभी वहाँ बिरयानी बना रहे हैं ना, मुझे घर से भूख नहीं लगी हुई थी, अभी मैंने ऊपर से देखा है ना। से लग अभी मुझे खुशबू वो देख देख कर और ऊपर से खुशबू आ रही है अभी यहाँ से महसूस आ रहा है। तो तुम्हें भी ऐसा ही है, ऐसे कोई सीरियसली ना ऐसे भूख फुल लगने लगी है। तो अभी बस भाई कुछ देर ये बाकी है, फिर इंशाल्लाह गोश्त वगैरह डाल दिया और अभी चावल डालने हैं तो फिर
बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। सुनूने चावल, सुनूने चावल पंजाबी बिच, पंजाबी बिच कुछ बंदे पंजाबी बड़ी पसंद कर देन ते सुनूने चावल पंजाबी च इना ला दे। नमकीन ते इसका जफर भाई नाम बता रहे थे व्हाइट पुलाव, इंग्लिश में व्हाइट पुलाव है ना। ते वैसे तो उर्दू में बिरयानी, बिरयानी या पुलाव सिर्फ बोल सकते हैं। ते साडी पंजाबी सलूने तो बाकी बस वीडियो अभी शूटिंग हो रही है, साथ साथ यही हम अपडेट आपको कर रहे हैं। भूख भी लगी हुई है, भाई को चेक करा रहे हैं जो कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की, और मेन वीडियो जो है सफदर भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी आप हम अपने व्लॉग वगैरह बना ले रहे हैं जो कि जफर भाई के चैनल के लिए वीडियो है, वो कैमरे से शूट कर रहे हैं। और वही आज सफदर भाई, आज सफदर भाई आज की वीडियो के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, अभी मैक चेंज करने लगे हैं। अच्छा बार बार जो है ना समर भाई और जहीर भाई नाम मेरा ले रहे हैं कि सफदर एक्साइटेड है, लेकिन मेरे से ज़्यादा ये दोनों एक्साइटेड है। और आपको पता चल गया होगा क्यों एक्साइटेड है, क्योंकि जो व्हाइट पुलाव बन रहा है इसकी खुशबू कमाल की है। भाई सफदर हम तो खाने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन आप जो है वीडियो बनाने के लिए बहुत आज एक्साइटेड हैं, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये जो फर्स्ट टाइम मैं कोई कुकिंग की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक हो गया। हाँ दूसरा ये है कि खाएंगे भी, ठीक हो गया। सफदर भाई पहले वाले माइक को क्या हुआ है? ये असल में नहीं, माइक में जो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, पहले आवाज़ क्लियर थी तो हमने दूसरा जो डायरेक्शनल माइक है वो इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अभी आवाज़ जो है साथ जो है ये अपना स्टोव इसकी भी आवाज़ है, जिस वजह से हमें जो दूसरा माइक ये है ना यूज़ करना पड़ रहा है तार वाला, ठीक हो गया। इसलिए मैं सफदर भाई कह रहा हूँ कि आप वीडियो पर फुल मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छा ये जहीर को पहचान हो गई है, बोला MM1 की और M1 की, मुझे याद नहीं रहता MM1 कौन सा और M1 कौन सा, इसलिए मैं इसका नाम याद रखता हूँ तार वाला। वो कौन सा है? और ये बस वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन जो बिल्ली जो मेरा छोटा बच्चा है वो कहता है पापा ये चूहा है। ठीक है, तैयार हो चुकी है और नमकीन चावल सारा कुछ तैयार हो चुका है, तो अभी थंबनेल ले रहे हैं भाई का। सही है। अच्छा सीन जनाब ये है कि अभी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है, बस अब खाने की तैयारी है। सफदर भाई भी आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, उसी का इंतज़ार था। तो अभी भाई ने वीडियो एंड कर दिया है, उनकी वीडियो तो अच्छी बनी, लेकिन साथ साथ उनका खाना जो बना था वो बहुत ही मजे का था, बहुत ही एंजॉय। हमारे जो एक्सपर्ट हैं जरा उनसे मशवरा लेते हैं, जरा पूछते हैं। जी सफदर भाई, भाई खाना कैसा था? माशाल्लाह जफर भाई ने जो कुकिंग की है वो कमाल की है, और मैंने तो इनकी जो रेसिपी है वो फर्स्ट टाइम इनकी जो रेसिपी ट्राई की है, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। उम्मीद है ये जो नई रेसिपीज हमें जो है वो चेक करवाते रहेंगे और हम इनकी वीडियो बनाते रहेंगे। सामान की पैकिंग होने लगी है, जैसे कि आपको बताया कि बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छी भाई जफर की बहुत ही अच्छी वीडियो भी बनी, और उसके साथ साथ जो खाना था वो भी बहुत मज़े का था। तो अभी सारा सामान पैकिंग कर लिया है और अभी घर को जाने लगे हैं। तो आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।